सदर ममलिका डॉक्टर आरिफ अलवी की इमरान खान से वन ऑन वन मुलाकात। आर्मी चीफ से मुतालिक आईनी सियासी और कानूनी उमूर समेत तमाम पहलू जेरे बहस आए। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शाम 7 बजे ऐवान सदर मुलाकात पर बयान जारी करेगा, तमाम मामलात आईन और कानून के तहत होंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से टेलीफोनिक राबता, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो। मामले को मुतनाज़े बनाकर इमरान खान को कुछ नहीं मिलेगा, एतज़ाज़ एहसन की डॉन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा तमाम छोटी बड़ी जमातों ने इत्तफाक़े राय से फैसला किया। इमरान खान को चाहिए कि आर्मी चीफ के मामले पर इत्तफाक़े राय हो। मुशीर दाखिला बलोचिस्तान मिर्ज़िया लांगो को सूबाई वज़ीर बनाने का फैसला, तकरीब हलफ़बरदारी आज शाम गवर्नर हाउस में मुतवक़्क़े। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ज़िया लांगो की जगह बीएपी से एक मुशीर मुकर्रर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कराची में साबिक डीसी वेस्ट गुलाम कादिर के तबादले को कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत, डिप्टी कमिश्नर गरबी शादिया जाफर को हटाकर गुलाम कादिर को बहाल करने की हिदायत। मिली भगत, करप्शन या गफलत, कराची में महकमा फायर ब्रिगेड की करोड़ों रुपए मालियत की कीमती आराजी के निजी इस्तेमाल का इंकशाफ। बोल्टन मार्केट फायर स्टेशन कबाड़ के गोदाम में तब्दील, महकमे की जमीन पर गैर कानूनी दुकानें और कबाड़ के गोदाम बना दिए गए। कीमती आराजी पर कब्जे से न पुलिस को कोई एतराज न महकमे को फिक्र। और सक्कर हैदराबाद मोटरवे करप्शन केस में गिरफ्तार साबिक डीसी मचियारी अदनान रशीद, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश, एंटी करप्शन की साबिक डीसी से मजीद तफ्तीश के लिए 7 रोजा रिमांड की दरख्वास्त मंजूर। असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद और निजी बैंक मैनेजर पीर को अदालत में पेश होंगे।